अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इन एन एग्ज़ामिनेशन एक एग्ज़ामिनेशन में 72 परसेंट ऑफ़ द टोटल एग्ज़मिनीज पास 72 परसेंट जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उनमें से 72 परसेंट पास हो गए इफ़ द नंबर ऑफ़ फेलियर्स इज 392 अगर नंबर ऑफ़ फेलियर्स 392 हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ एग्ज़्ज़ामिनीज बताने एग्ज़मिनीज मीन्स टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताने किस कितनों ने एग्जाम दिए थे तो हमें जो चीज़ पता नहीं होती उसको लेट कर लेते हैं लेट द टोटल नंबर ऑफ एग्जामज बी एग्जामीज भी एक्स एक्स हैं टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज अब वो कह रहा है सेवेंटी टू परसेंट पास हो गए और फेलियर्स थ्री नाइनटी टू है तो टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीस कैसे बनते हैं टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीस किस किस को मिला के बनते हैं देखिए जितने लोग पास हो गए टोटल पासड एग्जामीज प्लस फेलियर्स टोटल फेल्ड एग्जामिनीज को मिला के कौन बनते हैं टोटल एग्जामिनीज बनते हैं कि इतने लोगों ने एग्जाम दिया है अब टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज हमें पता है एक्स माना था तो एक्स लिख दिया इक्वल्स टू टोटल पास्ड एग्जामिनीज वो कह रहा है सेवेंटी टू परसेंट ऑफ टोटल एग्जामिनीज पास्ड हुए हैं तो 72 टू परसेंट ऑफ टोटल एग्जामिनीज टोटल एग्जामिनीज पास हुए राइट प्लस टोटल नंबर ऑफ फेलियर्स हमें पता है थ्री नाइन्टी टू आप देखिए एक्स एज इट इज सेवेंटी टू परसेंट मतलब सेवेंटी टू अपॉन हंड्रेड ऑफ का मतलब इन टू टोटल एग्जामिनीज थे एक्स प्लस थ्री नाइन्टी तो ये कितना आ गया x इक्वल टू सेवेंटी टू इन एक्स सेवनटी टू एक्स अपॉन हंड्रेड प्लस थ्री नाइनटी टू अब x की टर्म्स एक साथ तो x अपनी जगह रहा और सेवेंटी टू एक्स अपॉन हंड्रेड इधर आके माइनस का हो गया इक्वल्स टू थ्री नाइनटी टू अब देखिए x के नीचे कुछ नहीं है तो वन लगा देंगे अब हंड्रेड और वन का एलसीएम लिया तो हंड्रेड आ गया अब इस हंड्रेड की मल्टीप्लाई इस एक्स के साथ और वन की मल्टीप्लाई सेवेंटी टू एक्स के साथ तो हंड्रेड की मल्टीप्लाई एक्स के साथ माइनस वन की मल्टीप्लाई सेवेंटी टू एक्स के साथ इक्वल्स टू थ्री नाइन्टी टू अब हंड्रेड इन टू एक्स हंड्रेड एक्स माइनस सेवेंटी टू वन सेवेंटी टू एक्स अपॉन हंड्रेड ईक्वल्स टू थ्री नाइन्टी टू अब हंड्रेड में से सेवेंटी टू गया इस ट्वेंटी एट एक्स अपॉन हंड्रेड इक्वल्स टू थ्री नाइन्टी टू तो x कितना आ गया थ्री नाइन्टी टू अपनी जगह रहा हंड्रेड मल्टीप्लाई में आ गया न्यूमरेटर में आ गया डिनोमिनेटर से और ट्वेंटी एट में आ गया अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे टू वन 2 टू टू फोर 2 टू वन टू तो so, की वैल्यू कितनी आ गईन इन टू हंड्रेडीन हंड्रेड हमें क्या निकालना है टोटल एग्जामीज निकालना है और एक्स हमने टोटल एग्जामिनीज को ही माना था तो so, हमारे टोटल एग्जामिनीज आ गए हेंस टोटल नंबर ऑफ एग्जामीज आ गए हमारे हंड्रेड इज द आंसर बुक में आंसर गलत दे रखा है रुपीज में यहाँ तो रुपीज का काम ही नहीं है तो हैंड्रेड इज द आंसर लेट यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इस क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर डिडक्टिंग अ कमीशन ऑफ फाइव परसेंट अपना कमीशन पांच परसेंट का डिडक्ट करने के बाद अ मॉब्ड कॉस्ट रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड तो मॉप की कॉस्ट फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड बैठती है वॉट इज इट्स ग्रॉस वैल्यू तो उसकी एक्चुअल ग्रॉस वैल्यू कितनी है राइट right? मतलब कमीशन डिडक्ट करने से पहले की वैल्यू कितनी है तो हम लेट कर लेते हैं वो वैल्यू लेट द ग्रॉस वैल्यू ग्रॉस वैल्यू ऑफ मॉप बी एक्स एक्स है वो मॉ वैल्यू राइट right? तो अब आफ्टर डिडक्टिंग अ कमीशन ऑफ फाइव परसेंट कह रहा है तो देखिए मॉप की ये वैल्यू कैसे बैठेगी ग्रॉस वैल्यू में से ग्रॉस वैल्यू में से अगर हम कमीशन हटा देंगे तो हमारी क्या बैठेगी कॉस्ट ऑफ मॉप बैठेगी देखिए वो क्वेश्चन में कह रहा था आफ्टर डिडक्टिंग आफ्टर डिडक्टिंग मीन्स माइनस करने के बाद अ मॉब्ड की कॉस्ट फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड है राइट right? तो उसकी ग्रॉस वैल्यू निकालनी है तो ग्रॉस वैल्यू हमने एक्स मानी कमीशन जो निकलेगा वो हमेशा ग्रॉस वैल्यू पे निकलता है तो फाइव परसेंट ऑफ ग्रॉस वैल्यू ड्रेड राइट right? अब एक्स अपनी जगह रहा माइनस फाइव परसेंट मतलब अपॉन हंड्रेड ऑफ का मतलब इंटू ग्रॉस वैल्यू हमने एक्स मानी थी तो एक्स लिख दिया फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड अब एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स फाइव एक्स अपॉन हंड्रेड इक्वल टू फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड अब x के नीचे कुछ नहीं है तो वन लिख देंगे अब हंड्रेड और वन का एल लिया तो हंड्रेड आ गया अब जब इन दोनों का एलसीएम 100 आ गया तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो 100 की मल्टीप्लाई x के, तो के साथ माइनस 1 की मल्टीप्लाई 5x के साथ इक्वल्स टू फिफ्टीन अब ये कितना आ गया 100 एंड टू एक्सेस हंड्रेड एक्स माइनस फाइव इन एक्स इंटू वन इज फाइव एक्स अपॉन हंड्रेड इक्वल्स टू फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड तो ये कितना आ गया हंड्रेड में से फा फाइव एक्स गए तो नाइन्टी फाइव एक्स अपॉन हंड्रेड इक्वल्स टू फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड तो एक्स कितना आ गया फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड अपनी जगह रहा हंड्रेड मल्टीप्लाई में आ गया और 95 फाइव डिवाइड में राइट अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे फाइव वन जो फाइव फाइव नाइन ज़ा फोर्टी फाइव फाइव थ्री जो फिफ्टीन जीरो फाइव फोर जा ट्वेंटी एंड ज़ीरो नाइनटीन वन जाइनटीन नाइनटीन वन जाइनटीन इलेवन वन वन फोर नाइनटीन सिक्स वन फोर एंड जीरो तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई वन सिक्सटी इन टू हंड्रेड सिक्सटीन थाउजेंड तो हमारे एक्स किसे माना था हमने ग्रॉस वैल्यू को तो ग्रॉस वैल्यू आ गई हमारी दैट इज सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज इज द आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ